आज क्लास 10 साइंस के टर्म 2 का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर की डिमांड कर रहे हैं कि वो जो भी आंसर्स लिख के आए हैं क्या वो सही है या फिर उन्हें और भी लिखना चाहिए था या फिर वो गलत है। तो आज के शो में हम लोग यही जानने वाले हैं, यानी आज के शो में आप लोगों को कंप्लीट आंसर की देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर का सेट देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए कि आपका यही क्वेश्चन पेपर आया था या फिर नहीं आया था। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिससे आप लोग पता कर पाएंगे कि हाँ मेरा यही क्वेश्चन पेपर आया था। तो पहले आप लोग सेट और सीरीज देख लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन पेपर। अब आप लोग एक एक क्वेश्चन को मिलाते जाइए, देखिए आपका यही क्वेश्चन आया था कि कोई दूसरा क्वेश्चन आया था उस जगह पे। ओके, एंड यदि आपका यही सेट था ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख करके जल्दी से जल्दी बताइए। ओके, चलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखते जाइए। यदि मैं पेपर के एनालिसिस की बात करूँ, देखिए पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था एंड बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। पेपर मॉडरेट था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था किसी किसी क्वेश्चन को समझने में, खास करके केस बेस्ड क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। मेनली देखिए मैंने बहुत सारे सेट्स देखे हैं, ओके, उनमें से कुछ सेट्स जो है मॉडरेट थे, कुछ बहुत ज़्यादा ईजी भी आए हैं, ओके, कुछ ऐसे भी सेट्स हैं जो ईजी है एंड कुछ जो सेट्स हैं वो थोड़े टफ भी थे। ओके, तो ओवरऑल जो सीबीएसई ने पेपर बनाया है वो मॉडरेट टाइप का पेपर बनाया है, ना ही बहुत ज़्यादा उन्होंने ईजी बनाया ना ही बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ड बनाया, एकदम मॉडरेट पेपर बनाया है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझ के गए होंगे तो आपने बिल्कुल सही सही आंसर्स को लिखा होगा। ओके, एंड मैं आपको एक दिन बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जहाँ डायग्राम नीड था, जहाँ डायग्राम का वहाँ पे डायग्राम बनाना था। ओके, यदि आपने डायग्राम नहीं बनाया तो फिर आपका मार्क्स कटेगा, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर को देख लिया होगा एंड यदि आपका यही क्वेश्चन पेपर आया था तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके बताना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप लोगों के लिए आंसर की ला सकूँ। एंड अब देखिए यदि आपका कोई और सेट था तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों का आपका जो भी सेट आया था, जो भी सीरीज आया था उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं उस पर्टिकुलर सीरीज के सेट का वीडियो ला सकूँ। ओके, एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में मैंने जो भी पेपर आपको दिया था कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, उससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये आप लोग जान लीजिए। एंड यहीं पे जो साइंस का मैंने पेपर दिया था उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर गए थे। ओके, तो आप लोगों को मैं जो भी पेपर्स देता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जाकर के मैथमेटिक्स का पेपर देख सकते हैं, उस टाइप के 20 मार्क के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में आ गए थे। इसलिए मैं आपको जो भी पेपर देता हूँ बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करके देता हूँ कि हाँ यही क्वेश्चन आ सकता है, एंड देखिए वो क्वेश्चन आता भी है। इसलिए मैं आपको जो भी पेपर देता हूँ आप लोग करके जाइएगा, साइंस का आज मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैंने मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पहले ही सॉल्यूशन दे दिया है, ओके, और संस्कृत का भी, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं यदि आप अभी तक मिला नहीं पाए हैं तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।